class, my name is Mahima Nagpalan. So now that we are done with the basic concepts जो हमारे characteristics होते हैं एक particular living organism के, हम one by one इन सबको detail में study करेंगे. तो सबसे पहला इसमें आता है nutrition. अब nutrition होता क्या है? तो जो nutrition होता है इसके अंदर एक word आता है nutrient, जिससे कि वो basically derived है. तो जो nutrient होता है उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रिएंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन ये होती है, इट इज एनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स दैट एनेबल्स देम टू सर्वाइव फॉर देयर लिविंग. यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है इन ऑर्डर टू स्टे लिविंग इज नोन एज न्यूट्रिएंट. अब ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैंने यहाँ पे दो टर्म यूज करी हैं, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो इसका मतलब क्या है? एक बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो जो भी हमारे सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक होते हैं दे हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑर्गेनिक होते हैं उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं साथ में. तो जो भी सब्सटेंसेस में कार्बन हाइड्रोजन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को लिविंग रखने के लिए इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करता है एज देयर न्यूट्रिएंट्स. और जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं इन जनरल, दे कंज्यूम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज देयर न्यूट्रिएंट्स. अब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं? अब हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं दे बेसिकली टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दे यूज सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट देयर फूड और टू प्रोड्यूस देयर फूड. अब यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वो क्या क्या आ गए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अब जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं विच आर कंज्यूम बाय बेसिकली द ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स इन जनरल, तो वो होते हैं जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटमिन्स, वाटर. तो ये सारे जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं. अब देखा जाए तो जो प्लांट्स होते हैं दे कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स इन अ क्वाइट सिंपलर फॉर्म एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स. हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है या इन जनरल जो एनिमल्स होते हैं दे कंज्यूम कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड. यानी कि हमारा जो खाना होता है वो प्लांट्स के खाने के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और जो प्लांट्स होते हैं दे रादर कंज्यूम सिंपलर फॉर्म्स विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, अभी तो हमने न्यूट्रिएंट की बात की थी जो कि न्यूट्रिशन वर्ड जिससे आया है, हमने उसका डिस्क्रिप्शन देखा था. तो अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिएंट तो हमें पता लग गया कि वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू स्टे लिविंग. तो जो न्यूट्रिशन होता है इसका मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट. यानी कि जब हम उस न्यूट्रिएंट का इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. यानी कि जो एक्चुअल खाना है दैट इज न्यूट्रिएंट. ठीक है, जो भी खाने के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं जो हमको अल्टीमेटली बाद में एनर्जी देंगे वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं, बट उसको जब हम कंज्यूम करते हैं द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन और द प्रोसेस ऑफ इनटेक इज नोन एज न्यूट्रिशन. अब जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीकों से होता है, तो इसको हम कहते हैं देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब जो न्यूट्रिशन है इसकी कंप्लीट अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो वो होता है कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन. अब इसके अंदर जितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनटेक है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस पर्टिकुलर फूड का यूटिलाइजेशन भी है. अगर हम कोई खाना खा लें और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज ना करे और वो ऐसे ही पड़ा रहे तो वो न्यूट्रिएंट हमारे किसी भी काम का नहीं है. अनलेस आवर बॉडी रियली यूटिलाइजेस दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस तो ही हम उसको न्यूट्रिशन में काउंट करते हैं. तो न्यूट्रिशन के लिए दो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके डेफिनेशन में जो आएंगी, फर्स्ट इज द इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड ऑफ ऑल इट इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बाय आवर बॉडी.
अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज आती हैं। वन इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर वन इज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर वन इज द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगे या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्लेड होंगे। तो अब इसके अंदर हम वन बाय वन इन पांचों चीजों को डिस्कस कर लेंगे। वन इज द ऑटोट्रॉफिक वन। तो ऑटोट्रॉफिक का जो मतलब होता है वो उसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है ऑटो और दूसरा होता है ट्रोफ। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि ऐसा खाना जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद से बनाता है फ्रॉम द बेसिक सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज नोन एज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं अपने आप को इस टर्म्स में, जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो भी अपना पहले खाना कुक करता है और उसके बाद कंज्यूम करता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कुकिंग। By the word when I say कि अपना खाना खुद से produce करना, that means कि बहुत ही simple substances है, जैसे कि simple पानी and carbon dioxide which is just a gas और sunlight की help से जब plants अपना खाना खुद से produce करते हैं तो उसको हम कहते हैं autotrophic mode of nutrition। तो autotrophic mode of nutrition का मतलब ये है कि the process of nutrition और the mode of nutrition जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद हेल्प ऑफ सनलाइट एज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बहुत कॉमनली कहते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं। बट ये एक तरीके से एक गलत टर्म है। हर कोई प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है या फिर ऑटोट्रॉफ नहीं होता है। सिर्फ वही प्लांट्स जो कि ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, सिर्फ वही प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ्स कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू ट्रैप द सनलाइट। जो ग्रीन कलर होता है लीव्स में ड्यू टू द क्लोरोफिल, दैट हैज ए टेंडेंसी टू कैप्चर और स्टोर द सनलाइट, और उस सनलाइट को जब वो कैप्चर कर लेता है उसको एज अ सोर्स ऑफ हीट, एज अ सोर्स ऑफ, जैसे हमारा गैस होती है, जब तक हम गैस को टर्न ऑन नहीं करेंगे तब तक वो खाना कुक कैसे होगा। तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो वो हीट प्लांट्स की कंडीशन में आती है विद हेल्प ऑफ सनलाइट, और वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से जो प्लांट है, इट इनेबल्स द प्लांट टू कंज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट इट इनटू देयर फूड। Now the next topic that comes is the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode का nutrition of mode of nutrition ये होता है कि ऐसा nutrition जिसमें हम अपना खाना खुद से prepare नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी और पे dependent होते हैं अपने food के लिए, अपनी food requirements के लिए, that is known as heterotrophic mode of nutrition. जैसे कि हम human beings हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो खाना प्लांट्स ने बनाया है हम डायरेक्टली उन प्लांट्स को ही कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं जिन्होंने समहाउ प्लांट्स को कंज्यूम किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आइदर वी कंज्यूम द प्लांट्स और वी कंज्यूम द एनिमल्स, और हम उनके बनाए उन्हीं को यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन आवर एनर्जी और आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर तीन फर्दर कैटेगरीज आती हैं। वन इज द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर वन इज द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द लास्ट वन इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो सैप्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है, इसमें जो सैप्रो होता है इट मीन्स रॉटन, ऐसी चीज जो कि कम्प्लीटली सड़ चुकी है, जो कि डेड और डीकिंग है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रॉटन
या डेड और डीकिंग चीज़ों पे सर्वाइव करते हैं, उन्हीं को कंज्यूम करते हैं सो एज टू ऑब्टेन द एनर्जी, उनको हम कहते हैं सैप्रोट्रोफिक्स या सैप्रोट्रोप्स कहते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डीकिंग मैटर को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फंगस हो गया, जैसे ब्रेड माउल्स हो गए, मशरूम्स हो गए, यीस्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं दे बेसिकली कंज्यूम द डेड एंड डीकिंग मैटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो ये एक तरीके का जो है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपना खाना खुद नहीं बनाया, इन्होंने बेशक ये डेड और डीकिंग मैटर पे ही डिपेंडेंट है, बट इन्होंने ये किसी चीज पर डिपेंडेंट है। द फैक्ट दैट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द फूड बाय देमसेल्व्स मेक्स देम हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स। इसका सेकेंड लास्ट कैटेगरी जो इसमें आती है दैट इज द पैरासाइटिक वन एंड द लास्ट वन इज द होलोजोइक वन। तो जो पैरासाइटिक होते हैं उनके अंदर का मतलब, उनका बेसिकली एक मतलब ये होता है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं होस्ट। होस्ट जो भी खाना बनाता है या जो भी चीज़ वो बनाता है वो पैरासाइट कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है इसका लीचेस। हमें पता है कि लीच जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अगर हमारी स्किन पे चिपक जाता है तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसको सक कर लेता है, ठीक है। तो वो जो लीचेस होती हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के ब्लड को सक कर लेती हैं और जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको लेती है इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। या फिर अगर बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, राउंड वॉर्म्स या टेप वॉर्म जो कि छोटे बच्चों के पेट में हो जाते हैं, चलो वॉर्म्स, तो उससे क्या होता है वो बच्चे जो होते हैं हमेशा कितना भी खाना खा ले वो भूखे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पेट के अंदर जो भी कीड़े हैं, जो कि टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म्स हैं, वो उस सारे फूड को, उस सारे न्यूट्रिशन को उनसे ले लेता है, ठीक है। और वो जो बच्चा है वो क्या होगा इस केस के अंदर, वो एक होस्ट बन जाएगा जिसके अंदर जो पैरासाइट है वो एज अ गेस्ट रह रहा है, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म को किल किए बिना, उसे मारे बिना, या तो उसके ऊपर रहता है लाइक अ लीच, लाइक अ लीच, या फिर उसके अंदर रहता है लाइक अ टेपवर्म, और उसका न्यूट्रिशन जो है ले लेता है इन ऑर्डर टू कीप इटसेल्फ सर्वाइविंग, खुद को सर्वाइव रखने के लिए, तो उसे हम कहेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। लास्ट हमारा आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो होलोजोइक का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉलिड हार्ड सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन और बाद में उसको सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एनर्जी थ्रू दैम इन ऑर्डर टू सर्वाइव, दे आर बेसिकली द वंस दैट आर फॉलोइंग द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत ह्यूमंस होते हैं, या फिर इन जनरल जो बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, दे कैन फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। बट मेनली जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज स्पेशली फॉर द एनिमल्स, फॉर द ह्यूमंस, ठीक है। दैट्स ऑल।